हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अनुपमाज वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ रिपब्लिक डे स्पेशल ट्राई कलर इडली, जिनको हमने बनाया है बहुत ही आसान तरीक़ों से, और इनको बनाना बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमने एक बोल दही ले ली है और दो बोल हमने सूजी ली है। कोई भी सूजी ले सकते हैं आप, मोटी या पतली। सबसे पहले हम अपनी दही को अच्छे से फेंट के तैयार कर लेंगे, विस्कर से स्मूथ कर लेंगे विस्क करके। और इसमें अब हम ऐड करेंगे सूजी। दो बोल हमने सूजी ली है, इनको हमें एक स्मूथ बैटर बनाना है। और साथ ही अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। एक भी लम्ब्स नहीं रहने चाहिए इसमें। अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ बैटर बनाएंगे और इसको 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से स्मूथ बैटर बना लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस टाइप की होनी चाहिए। इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के साइड में छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। अब ले लेंगे हम एक मीडियम साइज़ की कैरेट और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है। साथ ही आधा बोल मैंने मटर ले ली है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, एक हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिए की पत्तियाँ। डंडे की साथ ही लेनी है धनिए की पत्तियाँ। और यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी गाजर का पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और बहुत स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, गाजर का पेस्ट बन के हमारा तैयार है। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम बनाएंगे अपने हरे मटर का पेस्ट। इससे ग्रीन कलर का पेस्ट बन के हमारा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले डंडियों के साथ ही हम ऐड करेंगे धनिया, हरी मिर्ची और थोड़े से मटर और आधी इंच अदरक का टुकड़ा, और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो हमारा ग्रीन कलर का पेस्ट भी बनके रेडी हो गया है। इसको भी हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, दोनों कलर के हमारे पेस्ट बनके तैयार हैं। ग्रीन और ऑरेंज कलर के दोनों पेस्ट हमारे तैयार हैं। अब हम अपने वाइट वाला बैटर देंगे, देखेंगे इडली का। ये देखिए, थोड़ा सा टाइट हो गया है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम इक्वली। हमें 3 कलर की इडलियाँ बनानी हैं तो तीनों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट में हम ऐड करेंगे मटर का पेस्ट, ये जिससे इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा ये ग्रीन कलर का इडली का बैटर बन के रेडी हो जाएगा। पानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालेंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे अपना गाजर का पेस्ट, जिससे कि हमारा ऑरेंज कलर बनके तैयार हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा रेड लग रहा है, हम इसमें हल्का सा 2 पिंच हल्दी ऐड करेंगे तो इसमें ऑरेंज कलर आ जाएगा। अब हम वाइट वाले बैटर को भी एक थोड़ा सा पानी ऐड करके एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। हमारे इडली के बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ हल्की सी पोरिंग होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा लूज़, ऐसी इस टाइप की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तीनों बैटर की कंसिस्टेंसी हमने चेक कर ली है, पानी मिला के इक्वल कंसिस्टेंसी हमने कर ली है तीनों की। अब हम एक कढ़ाई में 1 से 1.5 ग्लास पानी डाल के स्टीमर बना की तरह रेडी कर लेंगे। उसको स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे लिड लगा के, और ये हमारा स्टीमर रेडी हो गया है। अब हम अपने इडली स्टैंड को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बहुत अच्छे से ग्रीस करना ज़रूरी है, वरना हमारी इडली इसमें चिपक सकती है। ये देखिए, मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया अपना इडली स्टैंड। अब हम अपने इडली के बैटर में सॉल्ट ऐड करेंगे। एक एक छोटी चम्मच हमने तीनों बैटर में सॉल्ट ऐड कर लिया है, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। इनो फ्रूट सॉल्ट भी हमें एक एक छोटी चम्मच ऐड करना है अपने तीनों बैटर में, ज़्यादा नहीं करना है, एक एक छोटी चम्मच ही करना है। ये देखिए, मैंने तीनों बैटर में इनो फ्रूट सॉल्ट भी डाल लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे ये तीनों बैटर इडली के रेडी हो गए हैं इडली बनने के लिए। अब हम अपने इडली स्टैंड में इसको डाल लेंगे इडली बनाने के लिए। तीनों कलर के बैटर हम फिल कर लेंगे। मैंने ग्रीन और ऑरेंज पहले कर लिया है। इसको हम कढ़ाई में स्टीम होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, कढ़ाई का लिड लगा देंगे और अब दूसरा वाइट वाला बैटर भी
तैयार कर लेंगे इडली स्टैंड में डाल के इडली बनाने के लिए। यहाँ देखिए मैंने इस तरह से तीनों तरह की कलर की इडलियों के बैटर अपने इडली स्टैंड में डाल लिए हैं और अपनी कढ़ाई में रख दिए हैं। और अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से स्टीम करेंगे। जब तक कि हमारी इडलियाँ अच्छे से स्टीम नहीं हो जाती तब तक हमें इन्हें कुक करना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखनी है और ना ही ज़्यादा लो फ्लेम रखनी है। ये देखिए इडली हमारी बहुत अच्छे से फूल गई हैं और अब एक बार हम चेक कर लेंगे नाइफ डाल के ये कुक हो गई हैं कि नहीं। अगर बैटर थोड़ा हल्का सा चिपक रहा होगा तो हम इसको थोड़ी देर के लिए और कर देंगे। हमारा भी ऑरेंज कलर का बैटर थोड़ा चिपक रहा है तो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और ढक के छोड़ देंगे। देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इडली हमारी रेडी है। ये बहुत गर्म है, इसको केयरफुली एक कपड़े की हेल्प से हम पकड़ के बाहर निकाल लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अगर हम गरम गरम में निकालने की कोशिश करेंगे तो इडलियाँ हमारी ब्रेक हो सकती हैं, तो हल्का सा ठंडा होने देंगे। देखिए मैं थोड़ा गरम गरम में निकाल रही हूँ तो मेरी इडलियाँ हल्की सी चिपक रही हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपने बैटर को पूरा इडली को पूरा ठंडा होने दें, उसके बाद इसको डीमोल्ड करें तो ये इजीली निकल जाती हैं। तो किच इस तरह से देखिए एक गाजर वाला बैटर मैंने थोड़ा गरम गरम में निकाल दिया है तो थोड़ा स्टिकी सा हो गया है, लेकिन आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा ठंडा होने पर ही इसको डीमोल्ड करें और ये बहुत आसानी से निकल जाती हैं। और तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो गई हैं हमारी ट्राई कलर इडली और बहुत आसान है इनको बनाना। देखा आपने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बनके तैयार हो गई हैं हमारी ट्राई कलर इडली। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना और एक लाइक तो ज़रूर बनता है फ्रेंड्स, एक लाइक ज़रूर करना। हर वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, एक लाइक तो ज़रूर किया कीजिए। आप देख लेते हैं लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को। तो हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। मैं तो आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ अंदर से कितनी स्मूथ है, फ्लफी हैं और इतनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई हैं हमारी इडलियाँ। ट्राई कलर इडली इज़ रेडी। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार इनको बना के ज़रूर ट्राई कीजिए और आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। इसको सर्व करेंगे हम टेस्टी गर्मा गर्म सांभर के साथ और सांभर की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी है, आप मेरी पहली वीडियो में जाके सांभर की रेसिपी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।